Hello everyone, I welcome you all to Let's Crack Foundation and NTSC. This is Rashmi Singh, your teacher, and on this channel, if you have just dived into this channel, then definitely you will be able to crack your JEE and NEET foundation exams and NTSC preparation. So basically bachcho, ye channel jo hai pure olympiad exams ko and aapke jo bahut important competitive exams hote hain, career deciding wale exams, uske liye dedicated hai. And I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर ऐप डाउनलोड करिए. एंड विद द कोड RSYT यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री कॉन्टेंट. इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द कॉन्टेंट्स इन अप्रोप्रिएट ऑन आर टेलीग्राम चैनल्स और ऑन एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल, देन यू कैन रिपोर्ट इट टू द टीम. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक वन शॉट वीडियो बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट आज तो 12 बजे रिजल्ट भी आ रहा है आपके सीनियर भैया बहनों का. ठीक है, तो हम लोग वो रिजल्ट के लिए भी कोशिश यही करेंगे कि ये इसको एकदम वन शॉट में बहुत जल्दी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जो है इसकी वो मैं आपको दूँ. ठीक है, एंड अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ फुल प्रूफ फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रिविजन होने वाला है. ठीक है, ओके एवरीवन. सो हेलो सूरज, हेलो शिवम, हेलो एवरीवन. सो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है ना आपका क्लास 10th बोर्ड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, दिस सीरीज विल कवर होल NTSC, ऑफकोर्स. ठीक है, पूरा NTSC कवर करेगा, डोंट वरी. सो आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू लाइक क्विक इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको पूरे चैप्टर का, बहुत अच्छा सा ग्लिम्प्स मिल जाएगा, रिविजन हो जाएगा. ठीक है, अब अगर आप बच्चों प्लस लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है? देखो, तुमको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सही गाइडेंस. तो यहाँ पर तुमको बहुत अच्छा मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलता है. प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट्स बहुत ईजिली आप क्लियर कर सकते हो. अब तो रेज अ हैंड फीचर आ गया है जिसके चलते बच्चे जो हैं दे हैव अ वॉइस इन द क्लास, दे कैन आस्क द डाउट बाई आस्किंग इट टू द टीचर. क्लास के अंदर एक बच्चा डाउट पूछता है, सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. बहुत सारे लैंग्वेज हैं, पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया जाता है. ठीक है, तो जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो द कॉस्ट इज फॉर 24 मंथ्स, इट विल जस्ट कॉस्ट यू 19,250 रुपीज आफ्टर द कोड RSYT. ठीक है, 19,000 में तुम पूरे साल पढ़ सकते हो. ठीक है, बहुत ही अच्छा है. सो आफ्टर द कोड इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 17,325 रुपीज़. ठीक है, इसमें भी 1,732 रुपीज़ आपको माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्रेडिट्स. ओके, चलो, जब आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक मेंटोर मिलेगा. देखो, अर्जुन बनाने के लिए ना द्रोणाचार्य चाहिए, द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन जी नहीं बन सकते हैं. ऐसे ही एक मेंटोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करनी है तो. सो दिस मेंटोर इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद योर टाइम टेबल्स एंड विद ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग. सो यू कैन, आई थिंक यू शुड गो फॉर आइकॉनिक ओनली बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. दो द कॉस्ट इज लिटिल बिट हाई है, 57,000 है, बट जब आप कोड यूज़ करोगे RSYT इट विल ड्रॉप डाउन टू 51,300. ठीक है, तो गो फॉर इट गाइस. 12 मंथ्स का भी ले सकते हो. एंड अगर आप IIT वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू विल गेट अ गुड फाउंडेशन ओवर देयर, है ना. NTSC के लिए तो हेल्प होगी ही, फाउंडेशन भी क्रिएट हो जाएगा. ओके, मेरी क्लासेस की टाइमिंग अब जो है ना वो हो जाएगी 8 AM. ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बेसिकली नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप से आया है. ठीक है, लेकिन अगर हम चैप्टर को देखेंगे यूरोप के अंदर क्या पहले नेशन स्टेट थे, तो नहीं थे नेशन स्टेट, बिल्कुल भी नहीं थे. इनिशियली वहाँ पर भी बहुत सारी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक थी, एम्पायर्स थे. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब क्या होता है, एक ही डायनेस्टी है बट इट इज़ रूलिंग ओवर मेनी डिफरेंट टेरिटरीज. तो एक डायनेस्टी, जैसे लेट अस कंसीडर बर्बन डायनेस्टी, सो वी हैव French Bourbon Dynasty also, we have Spanish Bourbon Dynasty also, then the Bourbon Dynasty is ruling over the Italy also, the Kingdom of Two Sicilies, Southern Italy may be rule kar rahi hai. So since they are ruling over many multiple nations, that is why they are called multinational dynastic empires. ठीक है, अब इन multinational dynastic empires के ऊपर एक nationalism का लगता है तड़का, लगता है force. एंड धीरे धीरे ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर जो है वो मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. फाइनली जब लोग रिवॉल्ट करते हैं, रेवोल्यूशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, तब जाकर के नेशन स्टेट जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अरे मैम मॉडर्न स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर तो आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया. देखो, मॉडर्न स्टेट के अंदर क्या है, एक फिक्स्ड टेरिटरी है. ठीक है, और उस टेरिटरी के ऊपर किंग का सॉवरन रूल भी है. सॉवरन मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट रूल. द किंग निड नॉट टू टेक
एनी वंस परमिशन टू टेक डिसीजन. ठीक है, तो सॉवरन रूल भी है, फिक्स्ड टेरिटरी भी है, बट स्टिल यहाँ पर अभी सिटीजन के पास कोई राइट नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है. अगर राजा चेंज होगा तो लॉज भी चेंज हो जाएंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो दैट इज मॉडर्न स्टेट. लेकिन नेशन स्टेट में क्या होगा? नेशन स्टेट के अंदर चीज़ें अलग होंगी, राजा आए या जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, देयर विल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिटीजंस आर गोइंग टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स विच कैन नॉट बी चेंज. लाइक वी इंडियन पीपल हैव गॉट 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट? अभी सरकार आए या जाए हमें फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं. ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी, आई थिंक दीज थ्री टर्म्स आर गोइंग टू काइंड ऑफ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. ये थ्री टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ओके. हाँ, स्वतंत्रता सीरीज पूरा कराऊंगी. ओके, पूरा मैंने टाइम टेबल भी शेयर कर रखा है. सो गाइस, नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज बेसिकली अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेटर्स. ओके, सो वी हैव विराट कोहली, वी हैव एब्डगेलर्स, वी हैव मेनी अदर क्रिकेटर्स, राइट? रोहित शर्मा. दे ऑल हैव अ काइंड ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. वाई? बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन कॉल्ड क्रिकेट. ओके, जस्ट लाइक दैट द पीपल इन यूरोप स्टार्टेड हैविंग अ काइंड ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, दैट वी बिलोंग टू द सेम कल्चर, वी बिलोंग टू द सेम टेरिटरी, एंड वी ऑल हैव काइंड ऑफ कॉमन हिस्ट्री. सो दे स्टार्टेड हैविंग दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. इसी को हम क्या कहते हैं? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. नाउ मैनी ऑफ यू आस्क मी, मैम नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म सेम सेम नहीं हो गया क्या? नहीं बेटा, पैट्रियाटिज्म नेशनलिज्म सेम नहीं होता है. पैट्रियाटिज्म इज लाइक कंप्लीट लव फॉर योर कंट्री. ओके, बट नेशनलिज्म इज ड्रिवन बाय लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल पावर. ओके, सो इफ समवन इज अ नेशनलिस्ट, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब वॉट टू से, उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा रहेगी, थोड़ा सा विश होगा कि यार अपने पास पॉलिटिकल पावर भी होना चाहिए. बट अ पर्सन हु इज़ अ पैट्रियॉट वुड नॉट डिज़ायर टू होल्ड एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द कंट्री. ठीक है, पैट्रियॉट है तो ज़रूरी नहीं है उसको कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए. अंडरस्टूड? बस नीत अभी हो जाएगा 50 मिनट्स में. ठीक है, सो नेशन स्टेट समझ आया. अ नेशन स्टेट इज वन इन विच मजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री. बहुत सारे सिटीजन्स हैं और रूलर्स जो हैं उनको भी लग रहा है कि ये टेरिटरी हमारी है. दे ऑल शेयर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. लेकिन मॉडर्न स्टेट के अंदर सिर्फ रूलर के अंदर ये फीलिंग होगी, सिटीजन के अंदर नहीं होगी. ठीक है, जब ये फीलिंग कि ये देश मेरा है, ये टेरिटरी मेरी है, ये सिर्फ रूलर के अंदर है, देन इट इज़ मॉडर्न स्टेट. ओके, नाउ कैसे हमारे चेंजेस आए हैं यूरोप के अंदर वो देख लेते हैं. सो 19th सेंचुरी के अंदर एक नेशनलिज्म का फोर्स आया. ठीक है, वो फोर्स लगा मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के ऊपर, फिर ये कन्वर्ट हुआ मॉडर्न स्टेट में. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसके चलते लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई, एंड देन नेशंस गॉट क्रिएटेड, यूनिफिकेशंस हुआ. आपने भी पढ़ा है जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा, इटली का होगा, ब्रिटेन का होगा, एंड देन न्यू नेशंस विल कम अप. ओके, सो दिस इज हाउ द होल ऑफ द यूरोप लुक्ड लाइक इन द 19th सेंचुरी. सो वी हैड बर्बन डायनेस्टी रूलिंग ओवर दिस टेरिटरी, फ्रांस एंड स्पेन. ओके, देन वी हैव ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी इसको कहते हैं, विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर. Then the third one was Ottoman Empire and the fourth one was Russian Empire, which was basically Romanov Empire, जिसके बारे में आप लोगों ने class 9 के अंदर Russian Revolution में भी पढ़ा है. ठीक है, so there were these four important empires in whole of the Europe, and actually there were no nation state, सिर्फ kingdoms थे, duchies थे, cantons थे, but there were no nation states as such. ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? मॉडर्न स्टेट का भी देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है. आई एम द किंग इन माय टेरिटरी, सेंट्रलाइज्ड पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय अ सॉवरेन कंट्रोल एंड अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हुआ करता था. ठीक है, अब मॉडर्न स्टेट को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, बट बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज मेंशन योर आंसर्स ओवर हियर. So dash is the sense of collective belonging developed due to the common identity and shared history or descent. Nepotism, nationalism, patriotism, ultra-nationalism. What is the right answer?
Ma'am, speak loudly. Am I not audible to you? Okay, the correct answer is nationalism. Very good. Now the chapter starts with this painting, which has basically been taken just to help you understand what nationalism is. ठीक है, nationalism word को समझाने के लिए एक painting use किया गया है. तो इस पेंटिंग के अंदर आप क्या देखते हो, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सरोयू ने बनाई है 1848 में बनाई है, जिसमें डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड को दिखाया गया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई किंगडम जैसी चीज़ नहीं है, अब डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक आ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, अलग अलग नेशन के जो लोग हैं ना, उनको अलग अलग ग्रुप के तरह दिखाया गया है. तो सबसे आगे यहाँ पर एक आपको फ्लैग दिख रहा है, जो कि एक्चुअली बुक में तो बहुत क्लियरली दिखेगा नहीं. सो आपको बिल्कुल आगे आगे यहाँ पे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो दिखते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बिकम द नेशन, वो ऑलरेडी नेशन बन चुके हैं. इसके पीछे पीछे आपको फ्रांस दिखता है. ठीक है, देन जर्मनी इज़ देयर, इटली इज़ देयर, एंड दे हैव फर्स्ट, दिस ट्रेन ऑफ पीपल हैव फर्स्ट क्रॉस द ट्री ऑफ लिबर्टी, देन दे क्रॉस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो फीमेल के तरह दिखाया जाता है, लिबर्टी को फीमेल एलिगरी से. अब फीमेल को ही क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज फीमेल्स जो होती है ना, अगर आप कोई भी चीज़ को फीमेल से दिखाओगे तो डेफिनेटली इट विल ग्रैब योर अटेंशन. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक ट्रक ड्राइवर है बट वो फीमेल है, सो आप डेफिनेटली आप वो चीज़ को पढ़ने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश करोगे, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को. ठीक है, तो इसीलिए ये बात आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पता थी, आर्टिस्ट लोगों को, इसलिए उन लोगों ने फीमेल्स का यूसेज किया. ठीक है, यूज़ किया. तो यहाँ पर ये टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिया हुआ इसने एक हाथ में, और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिया हुआ है. जर्मनी जो है वो कंट्री बना तो दिया था फ्रेडरिक सरोयू ने, बट एक्चुअली में उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था. देन नीचे आप देखो सारे आपको रिमेन्स मिलेंगे. किसके रिमेन्स मिलेंगे, जितने भी मोनार्कियल या एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके रिमेन्स मिलेंगे. एंड सारे के सारे लोग बड़े प्यार से, और सबका गोल एक ही है, एवरीबडी इज पेइंग रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. दैट इज लाइक इट शोज फ्रटर्निटी. और फ्रटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा. इसको दिखाने के लिए जीसस क्राइस्ट को यूज़ किया गया है. इधर आपको सेंट्स एंड एंजल्स जो हैं वो दिख रहे हैं, दैट एवरीबडी इज ब्लेसिंग द होल इवेंट. एंड ये सब के सब क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली दे वॉन्ट डेमोक्रेसी टू कम, दे वॉन्ट रिपब्लिक टू कम. कोई लड़ाई नहीं हो रही है, यूटोपियन विजन को दिखाया है फ्रेडरिक सरोयू ने. यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एकदम आइडियल सोसाइटी, मतलब वहाँ पे कभी कोई लड़ाई ना हो. यार घर के अंदर भी दो बच्चे होते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच कैन नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो तुमको मिल जाएंगे पेंटिंग के शॉर्ट में, मैं नोट शेयर कर दूंगी, वहाँ पे भी मिल जाएगा. सो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बेसिकली सारा का सारा पावर एक पर्सन के अंदर सेंटर्ड हो. लॉ बना भी रहा जा रहा है, लोगों को पनिश भी कर रहा है, एंड देन ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. तो ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो गया. एंड यूटोपियन का मतलब हो गया एक ऐसी सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड. सो हाउ मेनी सीरीज ऑफ प्रिंट वर प्रिपेयर्ड बाई फ्रेडरिक सरोयू, 4, 3, 2 or 5? जल्दी जल्दी से बता दो. सो हाउ मेनी प्रिंट्स वर प्रिपेयर्ड बाई फ्रेडरिक सरोयू? तो बच्चों ये था 4 प्रिंट जो है बनाया था फ्रेडरिक सरोयू ने. ओके, सो क्राइस्ट एंड एंजल यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, फ्रेटर्निटी को दिखा रहे हैं. एंड अब हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन तुम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 9 में, 1789 में हुआ था. एंड अगर हम गौर से फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ इस चैप्टर का पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर समझ में आती हैं. ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का. मतलब नेशनलिज्म, अगर लोगों के अंदर ये फीलिंग आई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कॉज है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऐसा नहीं है इसके पहले रेवोल्यूशंस नहीं हुए थे यूरोप में, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे बच्चों यूरोप के, नेशनलिज्म की फीलिंग आई. ठीक है, और जैसे ही ये फीलिंग आई, पूरा का पूरा पावर जो है, जो पहले की सिर्फ एक राजा के पास था, अब क्या हुआ, एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया. नाउ दैट बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन वॉज बेसिकली काइंड ऑफ पार्लियामेंट ही आप बोल सकते हो उसको. ठीक है, तो अब राजा के पास पूरा पावर नहीं है, जो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन है उनके पास पावर जा चुका है. ठीक है, एंड नाउ पीपल विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द
कंट्री, ठीक है, कि अब जनता जो है वो चूज करेगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिनके पास पावर जा चुका है राजा से, एंड दोज पीपल विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री, दे आर गोइंग टू मेक लॉज, दे आर गोइंग टू गेट द लॉज इम्प्लीमेंटेड. अंडरस्टूड? 3 AM इफ पॉसिबल फलक, मतलब रात के 3 बजे पढ़ाना शुरू कर दूं मैं. मैम प्लीज चेंज द टाइम टू 3 AM इफ पॉसिबल. What are you guys like up to? Tell me. Okay. तो ये French Revolution है ना, इसके अंदर कुछ important changes हुए थे जिसके चलते लोगों के अंदर nationalism की feeling और strong हो गई, ठीक है. So first one was La Patrie Les Citoyens का concept आया. La Patrie is basically fatherland, ठीक है. ये जो जमीन है ये राजा की territory नहीं है, राजा का साम्राज्य नहीं है, ये हमारे भी पिताजी की पूर्वजों की जमीन है, ठीक है, ये वाली फीलिंग आई. लेकिन लेटर ऑन फादरलैंड को हम लोग मदरलैंड से डिनोट करने लग गए. आज के टाइम अपने कंट्रीज को मदरलैंड से डिनोट करते हैं, ठीक है. ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन. अर्लियर द पीपल वर सब्जेक्ट्स, वो प्रजा थे, अब प्रजा से नागरिक में कन्वर्ट हो चुके. दैट मीन्स दे हैव सर्टेन राइट्स एंड दोज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी ऑफ द किंग. तो ये कॉन्सेप्ट आया. ट्राई कलर फ्लैग आया. पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग चलता था जिसके अंदर बहुत बड़ा सा राजा का क्राउन एंड एवरीथिंग वॉज देयर, उसको हटा दिया गया, ट्राई कलर फ्लैग लेकर आ गए. नेशनल असेंबली बनाई गई. अब ये नेशनल असेंबली जो है वो लोग इलेक्ट करते थे, एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करते थे. यहाँ पर कुछ 745 मेंबर्स थे. दे वुड नाउ डिसाइड मेक लॉज, ओके, वो लॉ बनाएंगे. ला मसेल्स वॉज द नेशनल एंथम, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आप लोगों ने पढ़ा है. रॉजर डे आयल ने इसे लिखा था एंड बहुत फेमस था, राइट, बहुत ज़्यादा फेमस था. ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो कि लॉ बनाएगी, मतलब जैसे पार्लियामेंट होता है वैसा लेजिस्लेटर की तरह ये काम कर रहे थे. दे वर यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ये बड़े ही ताज्जुब की बात है, फ्रांस जैसे छोटी सी कंट्री के अंदर इतने सारे यूनिट्स चलते थे, इतनी सारी करेंसी चलती थी, 200 करेंसीज हुआ करती थी, पता है आपको, और हजारों प्रिंसिपैलिटीज थी, हजारों, जहाँ पे सब अपना अपना यूनिट यूज कर रहे हैं, अपना अपना वेट्स का, करेंसी का, मेजर्स यूज कर रहे हैं, विच इज नॉट एक्चुअली राइट. जस्ट थिंक कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में अपनी अपनी करेंसी हो, तो हम लोग सब जो है ना वो वी ऑल विल गेट मैड. तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंज कर दी गई. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हटा दिए गए. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप जाते हो ना सामान बेचने, तो वहाँ पे टैक्स लगता है अलग से. तो ये बहुत सारे टैक्स थे यार, 1000 प्रिंसिपैलिटी हैं, तो 1000 बार इंसान टैक्स ही पे करता रह जाएगा. सो ये सारी चीज़ें हटा दी गई. फ्रेंच लैंग्वेज जैसा कि पेरिस में बोला जाता था, उस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ठीक है, ओके. सो नाउ फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर ट्राई कलर फ्लैग, रॉयल मेटालिक स्टैंडर्ड, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग और फॉर्मर कोट्स ऑफ आर्म. क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर. आंसर होगा इसका बच्चों फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, ठीक है. ला पैट्री का मतलब क्या होता है, फादरलैंड होता है. फ्रेंच आर्मीज कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. अब क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ ही चुका है और बहुत सारे नए नए आइडियाज आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो इस आइडियाज को कौन लेकर गया आगे, फ्रेंच आर्मीज जो है वो उसको आगे लेकर जाती हैं. कहाँ कहाँ, हॉलैंड, देन इटली, देन बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड, इन सारे जगहों पर, हिब्स, इन सारी जगहों पर क्या करती हैं, ये आइडियाज को आगे लेकर जाते हैं. सो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरी का एक मिशन ही बन गया कि हमें क्या करना है, यूरोप को फ्री करना है डिस्पोटिज्म से, यहाँ के लोगों को आज़ाद कराना है. जो हमारे राजा हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्पोटिक हैं, टिरेनिकल हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, तो उससे हमें क्या करना है, आज़ाद करना है लोगों को. ये मिशन बना दिया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, ठीक है बच्चों. और फिर जिकॉबिन्स क्लब हर जगह पे बनने शुरू हो गए. फ्रेंच आर्मी जो है ये आइडिया को आगे लेकर गई, ठीक है. सो हु कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. यू नीड टू आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स एंड टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्ट आउट फॉर दिस, ओके. इसको आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बता देना. चलो, सो नाउ द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन. अब नेशनलिज्म के आइडिया को ना फर्दर स्ट्रॉन्ग किया है नेपोलियन ने. नेपोलियन बेसिकली कॉर्सिका में बॉर्न हुए थे अगस्त 1789 में. ही बिलोंग टू अ नोबेल फैमिली, दैट मीन्स ही वॉज समवन फ्रॉम द हाई क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी. एंड इन्होंने बचपन से ही जो है ना इनको मिलिट्री का बहुत ही ज़्यादा शौक था. एंड इन्होंने बहुत अच्छे से, लाइक ये 16 एज में ही ये लेफ्टिनेंट बन गए थे यार बच्चों, ठीक है. तो ही वॉज वेरी गुड, व्हाट टू से, फाइटर बोलो या आर्मी मैन जो थे ये बहुत अच्छे थे, ओके. एंड इन्होंने एक्चुअली में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया फ्रांस के अंदर. तो ये तो तुम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही पढ़ लिया था
कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आए और नेपोलियन ने बाद में कंजुलेट बनाया तीन लोगों का. लेटर ऑन क्या किया, उन उस कंजुलेट को भी हटा दिया और खुद राजा बन गए. ठीक है, लेकिन राजा बनने के बाद ये एक कोड इंट्रोड्यूस करते हैं 1804 सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी इसको कहा जाता है. वो रेवोल्यूशनरी कोड था. ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में डिड रियली वेल, बहुत सारे चेंजेस किए. ठीक है, जैसे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ जो होता है वो हटा दिया. बोला कि यार बर्थ के बेसिस पे आप किसी को कैसे प्रिविलेजेस दे सकते हो, तुम राजा की फैमिली में पैदा हुए तो मतलब तुम पूरी लाइफ एंजॉय करोगे, दिस इज नॉट राइट. ओके, तो ये चीज़ हटा दी गई. लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई. इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आ गए, एक ही क्राइम दो लोग करें दोनों को सेम सजा होगी. ठीक है, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया. फ्यूडल सिस्टम वॉज नथिंग बट जमींदारी सिस्टम. बड़े बड़े जमींदार होते थे ना बच्चों, वो बहुत सारे सर्फ रखते थे या मजदूर रखते थे, बॉन्डेड लेबर रखते थे, उनको टॉर्चर भी करते थे. तो ये सारी सिस्टम हटा दी गई. गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया. गिल्ड क्या होता है, सेम प्रोफेशन वाले जो लोग होते हैं ना वो अपना कुछ यूनियन बना लेते हैं. जैसे सपोज करो मैं टीचर हूँ, मैंने सारे टीचर्स का एक यूनियन बना लिया. कोई नया टीचर अब अपना कुछ इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा है तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पहले आप आओ, आके हमसे परमिशन लो, हमारे यूनियन से परमिशन लो. बट इससे राजा को बहुत नुकसान था, क्योंकि कोई भी नया बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली राजा को टैक्स भी नहीं मिल पाएगा. इसीलिए नेपोलियन ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन भी हटा दिया. ठीक है, सर्वडम मेनोरियल ड्यूज हटा दिया. सर्वडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, कि आप कहीं पर भी किसी जगह पे आप मजदूरी कर रहे हो, आप वहाँ पे बंधे हुए हो, वहीं पे आपको काम करना है. सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन ऑल्सो, क्योंकि अगर कोई काम इंसान कम पैसे कमाएगा तो कम टैक्स पे करेगा. ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया. तो ये हो गया BPLFGST. ठीक है, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी हट गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, फ्यूडलिज्म, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, सर्वडम, ये तीनों चीज़ हटा दिया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया. ठीक है, ओके. बट लेटर ऑन व्हाट यू विल सी ना, कि नेपोलियन का भी एक टाइम आया जब लोग उसकी बुराई करने लग गए. इनिशियली पीपल कंसीडर्ड हिम एज द हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, लेकिन नेपोलियन जो था ना पूरे यूरोप पे रूल करना चाहता था. ही वॉज वेरी एम्बिशियस, एंड अगर आपको पूरे यूरोप पे रूल करना है तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगल बगल में राजा रहते हैं और राजाओं से वॉर करना पड़ेगा. वॉर करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है इंसान को. ठीक है, तो इसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए. वॉर करने के लिए एक अच्छी आर्मी चाहिए होती है, तो इन्होंने ज़बरदस्ती फौज में लोगों को भर्ती कराना शुरू कर दिया. और जब लोग इनको क्रिटिसाइज करने लग गए तो लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन लिया गया. सेंसरशिप जो है वो लगा दी गई, उनके एक्सप्रेशन को सप्रेस किया गया. सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेंसरशिप. ठीक है, लेटर ऑन नेपोलियन की एक फोटो भी ऐसी बनाई गई है जिसमें उसको पोस्टमैन की तरह दिखाया गया और सारे उसके लेटर्स जो हैं वो लूज करता जा रहा है. दैट मीन्स जो जो टेरिटरी नेपोलियन ने अपने प्रिंसिपल्स, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के चलते कैप्चर किया था वो सब खत्म हो गया. लोग उससे इतने इम्प्रेस थे, बट दे एट ऑल दैट गॉन इन टू वेन बिकॉज ही स्टार्टेड टू फाइट वॉर्स आफ्टर वॉर. इनफैक्ट नेपोलियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जब तक वो फ्रांस का राजा रहा तब तक फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती रहीं. ठीक है, लेटर ऑन बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन जो है वो हार जाते हैं 1815 में, और उनको सेंट हेलेना पे भेज दिया जाता है, एग्जाइल दे दिया जाता है, देश निकाला. एंड ये सेंट हेलेना आइलैंड का पिक्चर है बच्चों, जहाँ पे ही डायड इन 1821 एंड रिसेंटली वी कंप्लीटेड द 200 ईयर्स ऑफ हिज डेथ एनिवर्सरी. ठीक है, अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट किया. नाउ वी विल सी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, हेलो सृष्टि, हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू. समझ आ रहा है ना बच्चों या नहीं आ रहा? इट इज़ अ क्विक रिविजन ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ. तो बच्चों यूरोप के अंदर अगर हम बात करें इनिशियली तो कोई नेशन स्टेट जैसी चीज़ नहीं थी. मैंने आपको पहले ही बता दिया चार बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर थे, बर्बन डायनेस्टी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर एंड रोमनोव एम्पायर. ठीक है, तो ये चार एम्पायर्स आपको देखने को मिलेंगे. इनमें भी बहुत ज़्यादा कल्चर अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, कोई नेशनलिज्म जैसी फीलिंग नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हैब्सबर्ग एम्पायर था ना, इट वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. जैसे बहुत सारी जर्मन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, ठीक है, इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, मैग्यार स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, पोलिश स्पीकिंग प्रोविंसेस थी, पेजेंट पीपल्स भी थे. जैसे आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि ये देखो ये पोलैंड है, किंगडम ऑफ ग्लेशिया है, यहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स जो है पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे. ठीक है, बोहेमिया है,
एंड ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब हाई क्लास पीपल थे, दे यूज टू स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज. फिर इधर का जो एरिया आपको दिख रहा है, बोजीनिया, हेरगुवॉन्जिया, यहाँ पर, या फिर इटली का जो कुछ पोर्शन है, वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज में बात करते थे. तो कोई कॉमन लैंग्वेज जैसी चीज़ नहीं थी. तो आप देख रहे हो, कोई नेशन स्टेट फॉर्म होना बहुत आसान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सारे लोग जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से. ओके, अब इनके बीच में ही आप देखोगे सोसाइटी के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं. क्लासेस हैं मतलब, जैसे अपनी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम चलता था पुराने ज़माने में, ऐसे ही वहाँ पे क्लास सिस्टम चलता था. ठीक है, सो एरिस्टोक्रेट्स वर बेसिकली एकदम हाई क्लास पीपल. ठीक है, दे ओन्ड वास्ट स्टेट्स इन द कंट्री साइड. बहुत बड़ी बड़ी जमीन होती थी इनकी, और शहर के अंदर बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, टाउन हाउसेज होते थे. ठीक है, बट दे वर माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन. दे वर सोशली एंड पॉलिटिकली क्वाइट डोमिनेंट, बहुत डोमिनेंट थे, उनकी चलती थी एक्चुअली सोशली एंड पॉलिटिकली बात की जाए. दे ऑल हैड कॉमन वे ऑफ लाइफ. पूरे यूरोप में कहीं पर भी चले जाओ, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेंगे. आपने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा है, बेल्जियम में फ्रेंच लोग ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि एक्चुअली वो हाई क्लास लोग हमेशा से रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे, एंड उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी. एक दूसरे की शादी जो है एरिस्टोक्रेट्स क्लास में ही कराएंगे. कभी एरिस्टोक्रेट क्लास वाला जो है ना, वो पेजेंट्री के क्लास में अपनी अपने बच्चों की शादी नहीं कराता था. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक पीपल. एंड उसी टाइम पर जो एक और क्लास था हमारे पास, वो था पेजेंट्री. ठीक है, ये क्या है, पेजेंट्री है. तो दो क्लास है अभी हमारे पास, एरिस्टोक्रेट्स एंड पेजेंट्री. पेजेंट्री जो है मेजॉरिटी में है, लेकिन बेचारे हैं बड़े गरीब. ठीक है, अगर हम वेस्ट में बात करें तो ये छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं इनके पास, एंड ये एज अ टेनेंट्स काम करते हैं. मतलब किसी की ज़मीन जो है ना, वहाँ पे गए, उसको रेंट पे ले लिया और वहाँ पर खेती कर रहे हैं. ईस्टर्न साइड में बात करें, हम ईस्ट यूरोप में, तो वो सर्फ की तरह काम करते थे. मतलब किसी की ज़मीन पर एज अ बॉन्डेड लेबर काम करते थे, खुद की ज़मीन तो थी नहीं इनके पास. ठीक है, अब लेटर ऑन क्या हुआ बच्चों, दो क्लास हमने पढ़ा, एरिस्टोक्रेट्स एंड पेजेंट्री. यूरोप के अंदर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू होता है. ठीक है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड एक छोटा सा एक्रोनिम है, EFG. इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया है, फिर फ्रांस में आया है, एंड देन फिर इधर जर्मनी में आया है. ठीक है, EFG. और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सोसाइटी के अंदर एक नई क्लास इमर्ज होकर के आ गई, विच इज़ मिडिल क्लास. मतलब ये इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेल्दी पीपल जस्ट लाइक एरिस्टोक्रेट्स, बट दे हैव अर्न देयर मनी बाई डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, एंड दूसरे साइड पर एक और क्लास इमर्ज होता है, वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास इज बेसिकली जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं. नाउ दे आर पुअर ओनली, बट अगेन इनके अंदर भी थोड़ा सा लिबरलिज्म का, या देश को आज़ाद करने का, नेशन क्रिएट करने का क्या है, जज्बा है. ठीक है, सो ऑल इन ऑल वी हैव गॉट लाइक फोर टाइप्स ऑफ पीपल. नाउ पहले एरिस्टोक्रेट्स एंड पेजेंट्री थे, एरिस्टोक्रेट्स माइनॉरिटी में थे बट दे वर वेल्दी पीपल. ठीक है, मेजॉरिटी में पेजेंट्री हैं बट दे आर पुअर. देन वी हैव गॉट वर्किंग क्लास, अगेन दे आर वेल्दी. ओके, एंड मिडिल क्लासेस जो कि पुअर हैं. तो चार तरह के लोग हो गए सोसाइटी के अंदर. अब बच्चों आप क्या देखोगे, ये एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस जो है ना, इन्हीं के अंदर सबसे पहले नेशनल यूनिटी का आइडिया आया. यानी कि ये जो हमारे मिडिल क्लास हैं, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, ये रिच होंगे एंड ये वर्किंग क्लास वाले पुअर होंगे. ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले लिबरलिज्म का जो आइडिया है, या नेशन को बिल्डअप करने का जो आइडिया है, नेशन स्टेट क्रिएट करने का, वो आया है. यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं बेटा ओजस्वी, वो सिर्फ हम लोगों ने देखा था हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर. सिर्फ हैब्सबर्ग एम्पायर एक ऐसा था जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज में एरिस्टोक्रेट्स बात करते थे. अदरवाइज लाइक इन मोस्ट ऑफ द यूरोप, एरिस्टोक्रेट्स यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है, हाय कार्तिकेय, हेलो. चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को. अब ये जो चार तरह के लोग हैं ना, वो चार लोग, मम्मी बोलती है ना अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो चार लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अपने वो चार लोग हैं, एरिस्टोक्रेट्स. ठीक है, देन वी हैव गॉट पेजेंट्री, देन वी हैव गॉट इंडस्ट्री के ओनर्स विच इज मिडिल क्लासेस, एंड इंडस्ट्री के वर्कर्स.
अब ये चार तरह के लोगों की अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। कुछ तो लिबरल्स हैं, कुछ कंजर्वेटिव्स हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है। अब लिबरल्स कैसे हैं? लिबरल्स इसके जैसे हैं, वी वांट आज़ादी भाई, ठीक है, हमें भूखमरी से आज़ादी चाहिए, हमें भेदभाव नहीं चाहिए, हमें पक्षपात नहीं चाहिए, तुम कुछ भी कर लो, हमें आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेशन स्टेट, ठीक है, हमें चाहिए फुल इज्जत, ओके, पूरा नेशन स्टेट चाहिए, ओके। मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मैम आप वापस कैसे आ गए? बस आ गई बच्चों, ठीक है। तो अब ये जो मिडिल क्लास है ना, उनकी आइडियोलॉजी है लिबरल्स वाली आइडियोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले मिडिल क्लासेस के अंदर लिबरलिज्म वाला आइडिया आया है। अब लिबर वर्ड का मतलब होता है फ्री, एंड दे ऑल एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल को यार आज़ादी का राइट है, हर इंडिविजुअल को आज़ाद रहने का, अपने हिसाब से काम करने का, अपने हिसाब से पैसे कमाने का और खर्च करने का राइट है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। चार तरह के लोग हैं, चारों ने सेम क्राइम किया है, सबके लिए अलग अलग सजा सुनाया जा रहा है। हमारा राजा जो है, सजाए मौत, सजाए ये, सजाए वो सब नहीं चलेगा। सबका सेम क्राइम है, सबको सेम क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। सो नाउ दे हैव गॉट टू टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, ओके। पॉलिटिकल स्फेयर में इनके क्या आइडियोलॉजी थी, इकोनॉमिक स्फेयर में क्या आइडियोलॉजी थे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्यों? क्योंकि ये मिडिल क्लासेस जो हैं, ये हैं तो इंडस्ट्री के ओनर्स ना कहीं यार इनको पैसा चाहिए, राइट? इनको तो इनका बिजनेस फ्लरिश होना चाहिए। सो पॉलिटिकल स्फेयर में अगर हम बात करें तो दे वॉन्टेड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, दैट मीन्स दे वॉन्टेड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे वॉन्टेड राइट टू प्रॉपर्टी, दे वॉन्टेड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये तीन वही है जैसा कि अपना नेपोलियन ने लगाया था, BPL, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। देन अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सो दे ऑल्सो वॉन्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो चाहते थे हमें भी, राजा तो रूल कर रहा है लेकिन हमें भी थोड़ा थोड़ा पावर दो, ठीक है। सो दे वॉन्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, हमें गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम खुश रहेंगे। देन दे वॉन्टेड गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? हमारे अप्रूवल से सरकार बनाई जाए, ऐसा नहीं कि राजा खुद ही सबको मंत्री बनाया जा रहा है अपने हिसाब से, नहीं, हम सब लोग वोट करेंगे एंड वी विल डिसाइड कि किसको क्या मंत्री मिलना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ओके। एंड दे वॉन्टेड अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सो ये इसका छोटा सा एक्रोनिम ऐसे याद कर सकते हो, BPL, RPG, GCNC, ठीक है। इकोनॉमिक स्फेयर में अगर हम बात करें तो दे वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। फ्रीडम ऑफ मार्केट मिलना चाहिए, गुड्स एंड कैपिटल जो है वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहिए, ठीक है। कार्तिकेय आज सिर्फ पढ़ा रही हूँ मैं 11 बजे, कल से 8 बजे होगी टाइमिंग, ठीक है, 8 AM। बट दे डिड नॉट वॉन्ट कि यार राइट्स जो है ना, वोटिंग राइट्स वुमेन को मिले या प्रॉपर्टी विदाउट, ऐसे मैन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग राइट्स मिले। इसके पीछे ना इनका एक अलग ही सोच था, सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी टाइप्स, ठीक है। तो इनका क्या सोच था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो अगर वोट देंगे तो ज़्यादा अच्छी सरकार बनेगी, वो अच्छा डिसीजन ले पाएंगे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि वुमेन जो है वो वैसे भी इतनी इतना ज़्यादा उनका कोई पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो वो अच्छे से वोट नहीं कर पाएंगी। और नॉन प्रॉपर्टेड मैन को भी ये लोग ऐसे ही समझते थे कि वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो दे नेवर एवर सपोर्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट वॉज अ कैपिटल एन एंड कैपिटल ओ फॉर देम, नो, नहीं तो मतलब कि नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, लिबरल्स के अंदर ही एक वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया है। कैसे आया है? क्योंकि इन लोगों को ना, ये जो बहुत सारे जो 39 कन्फेडरेशन है, सब में अलग अलग करेंसी चला रहे हो आप, अलग अलग टैक्स बैरियर्स क्रिएट कर रखा है, ये सब हिंड्रेंस की तरह इनको लगता था। इनको लगता था इससे तो कभी अपना बिजनेस जो है ना वो बढ़ने वाला नहीं है। और जब तक लोग अपने इंडिविजुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे ना, नेशन नहीं क्रिएट होगा। जब हम सब एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तब जा करके नेशन क्रिएट होगा, ठीक है। हर अगर बिजनेसमैन अपने बारे में सोचता रह गया तो कभी भी आज़ादी नहीं आ सकती, इनका मानना था। तो फॉर दिस व्हाट दे डिड, उन लोगों ने जॉल्वेरियन बनाया, ठीक है। जॉल्वेरियन क्या है? कस्टम यूनियन है। बेसिकली बहुत सारी कंट्री है, ए बी सी डी, इन सब ने क्या किया हुआ है, आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया हुआ है, ओके। एंड दे हैव गॉट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ बोले तो, अगर ये ए बी सी और डी है, इनको कोई ई कंट्री से ट्रेड करना है, तो इन सबका एक एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन रहेगा।
ठीक है, ए बी सी डी सब सेम तरीके से टैक्स लगाएंगे। तो जोलवेरियन यही था, कस्टम यूनियन था जिसका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है आपस में एंड एक्सटर्नल टैरिफ भी कॉमन है। अब जोलवेरियन जो है वो 1834 में बनाया गया था। किसने बनाया था? प्रूशिया ने बनाया था। और इन लोगों ने करेंसी को 30 से 2 रिड्यूस कर दिया, रेलवे वगैरह इम्प्रूव कर दिए, जिससे क्या हुआ, एक तरीके से इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो आ ही गया। मतलब सबके ऊपर इकोनॉमिकली सेम रूल्स लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था यस यस वी ऑल बिलोंग टू द सेम प्लेस, ठीक है, ऐसा होना शुरू हो गया। हाँ जी रागिनी, कल से सुबह 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। अब जैसे बच्चों LA जो है ना, वहाँ पे एक यूनिट थी LA जो कि लेंथ की यूनिट थी, उसका हर जगह वैल्यू चेंज हो जाता था। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाओ आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यार जो मैथ्स में वीक होगा मेरे जैसा, उसके लिए तो बिजनेस करना बड़ा ही डिफिकल्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके कंजर्वेटिव्स। अब ये जो कंजर्वेटिव लोग हैं ना, इनका क्या है भैया कि भाई हम लोग तो राजा हैं, ठीक है, राजा का रूल ही चलना चाहिए, कोई अभी नए तरह की जो सरकार है वो आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ भी रहा है, दे शुड रिस्पेक्ट चर्च, दे शुड रिस्पेक्ट आर ट्रेडिशंस, मतलब ये पुरानी सोच वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद इन लोगों में कुछ चेंजेस आए थे। जैसे वो ये नहीं चाहते थे कि 1789 के पहले जैसे राजा लोग रूल करते थे हम वैसे रूल करें। दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन ए प्लस बी रूल। वॉट इज दिस ए प्लस बी रूल? दे स्टार्टेड बिलीविंग कि एक अच्छी आर्मी होनी चाहिए, एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी रूल, बच्चों ये याद रखना। सो दे हैव थॉट कि यार अब ना कंजर्वेटिज्म में मॉडर्नाइजेशन का तड़का लगाया जाए तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथेंड रहेंगे। और नेपोलियन को जैसे लोगों ने, मतलब नेपोलियन ने काफ़ी अच्छा रूल किया, ठीक है, काफ़ी चेंजेस किए, तो ऐसे ही हम लोग भी काफ़ी चेंज करके अगर रूल करेंगे तो बेटर रूल कर पाएंगे। आर्मी ब्यूरोक्रेसी को इन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब 1815 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया ने नेपोलियन को हरा दिया था। अब ये चारों लोग मिलकर के एक ट्रीटी करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं था भैया, किसने कौन नहीं था कांग्रेस ऑफ वियना में? तो स्विट्जरलैंड वॉज नॉट देयर इन द कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। कौन कौन थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी इसको होस्ट कर रहे थे ड्यूक मटर्निक, ठीक है, ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे और यही पूरे को होस्ट कर रहे थे। इन्होंने क्या चेंजेस किए, तो इन्होंने फ्रांस के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना ने या कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू बर्बन डायनेस्टी वापस से आ गई, लुई 18 को राजा बना दिया, ठीक है, लुई 18 को राजा बना दिया। फिर नेपोलियन ने जो भी टेरिटरीज जीती थी वो सारी टेरिटरीज राजाओं को वापस कर दी गई, छोटे छोटे किंगडम्स बना दिए गए, विच इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। अगर सपोज करो कोई सी कंट्री ने अभी आज के टाइम पर, सपोज करो हमारी इंडिया कंट्री ने कुछ अलग अगल बगल की टेरिटरीज जीत ली, वैसे हम तो बिलीव नहीं करते ऐसे फालतू कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर अगल बगल की टेरिटरी हमने जीत ली, नेक्स्ट कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो क्या वो उन कंट्रीज को वापस कर देगा? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। पहले ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं होता था कि एक राजा ने टेरिटरी जीती है दूसरा राजा आया उसने टेरिटरी वापस कर दी, लेकिन इन लोगों ने किया ऐसा। वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर, मतलब हर राजा का पावर जो है ना वो इक्वल हो जाए, कोई भी राजा ओवर पावर ना कर जाए, ओपी किंग ना बन जाए, ठीक है, ओपी तो तुम लोग समझते ही हो आजकल, तो ये करना शुरू कर दिया। नेपोलियन की जो 39 स्टेट्स की कन्फेडरेसी थी उसको नहीं चेंज किया, क्यों? क्योंकि इससे तो हमें पैसा आएगा, टैक्स आएगा, तो इसको क्यों चेंज करें, ठीक है। लेकिन हाँ, सेंसरशिप लॉज लगा दी गए, मतलब कोई राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। ये देखो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें ना तो नेपोलियन के अंडर बहुत सारी टेरिटरी बढ़ गई थी। ये देखो पूरा का पूरा फ्रेंच एम्पायर जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये सब फ्रेंच एम्पायर के अंदर आ चुका था, लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ कांग्रेस के बाद सिर्फ इतना सा फ्रांस रह गया। ये सारी इधर इधर की जो टेरिटरीज थी, ये सारी टेरिटरीज जो हैं वो वापस कर दी गई, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सेंसरशिप लगाई, मैंने बोला ना सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप में क्या होता है, आप राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, या मीडिया में कुछ जो है मैसेज आउट नहीं किया जाता है ताकि जनता तक कुछ चीज़ें ना पहुंच पाए, मैसेज ना पहुंच पाए, ठीक है। तो इन लोग, ये लोग बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं टॉलरेट करते थे, राजा लोग डिसएग्रीमेंट नहीं सह सकते थे, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर प्लेस सॉन्ग्स में कुछ भी न्यूज़ छपने ही नहीं देते थे। इनफैक्ट ऐसे एक पिक्चर भी है जिसमें 8 प्रोफेसर्स हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों के से राइट टू स्पीच तो ले लिया गया है, राइट टू थिंक भी ले लिया जाएगा क्या, हमें सोचने की जो एक राइट है वो भी हमसे ले लिया जाएगा क्या, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। हर्षित
मुझसे जहाँ कहा गया मैंने वहाँ पढ़ा दिया यार, अब बोला गया यहाँ पढ़ा दो तो यहाँ पढ़ा दूंगी, ठीक है। सो वॉट आई हैव डिसाइडेड ना कि मैं बीच बीच में 15 15 डेज का सेशन रखूंगी और पूरा कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन जैसे अभी 15 डेज का सेशन रखा है मैंने, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट हाफ ऑफ द CBSE का क्लास 10। फिर ऐसे ही 15 डेज रखूंगी, 9th कर दूंगी कंप्लीट, फिर ऐसा करूंगी, ठीक है। नाउ लेटर ऑन केम रेवोल्यूशनरीज। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज है ना बच्चों, ये बेसिकली देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो आपने 1815 में देखा कंजर्वेटिज्म आ गया, ठीक है। उसके पहले मिडिल क्लास एमर्ज हुआ था एंड उनको लिबरल्स कहा जा रहा था, उनकी आइडियोलॉजी लिबरल की थी। अब 1815 से 1830 तक ना बहुत ज़्यादा जो है ना इनको, लोगों को या लिबरल्स को क्या करके रखा गया है, कंजर्वेटिव ने बहुत सप्रेस करने की कोशिश की है। तो 1830 में इन्होंने क्या किया, लिबरल्स ने कुछ अपना ही फंडा निकाला सीक्रेट सोसाइटी का, ठीक है। इट्स लाइक कि क्लास के अंदर एक बहुत ही खड़ूस टीचर है, तो बच्चे क्या करते हैं, बोल तो नहीं सकते तो चिट पे लिख लिख के एक दूसरे को मैसेज फेंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या इशारों में बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो लिबरल्स थे ना, उसी में से कुछ लोग जो हैं वो ऑपरेट करने लग गए सीक्रेट सोसाइटीज में, एंड दे टर्न इन टू रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इनको लगता था कि हमें ऑटोक्रेटिक रिजिम को बिल्कुल हमें अपोज करना पड़ेगा, हमें फ्रीडम और लिबर्टी के लिए जो है लड़ाई करनी पड़ेगी, और किसी भी तरह का मुनाकिल फॉर्म जो होगा हम उसको नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी अपने काम को अंजाम देने के लिए, ठीक है। और इनको लगता था नेशन स्टेट जो है उसी के चलते क्या होगा, हम सबको आज़ादी मिलेगी, नेशन स्टेट तो होना ही चाहिए। अब इसमें नाम आता है सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी का, ज्यूसेप मज़ीनी। ज्यूसेप मज़ीनी जो है ना बच्चों, ये इटली में बॉर्न हुए थे 1807 में, एंड ये एकदम स्टॉन्च रेवोल्यूशनरी थे। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कंजर्वेटिज्म, नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा लगता था हर इंसान को राइट्स मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। एंड ही ऑल्सो थॉट कि नेसेसरी कंडीशन है इंसान के लिबर्टी के लिए नेशन स्टेट का क्रिएट करना, ठीक है। सो ही वॉज अ मेम्बर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी फर्स्ट, पहले तो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी इन्होंने फॉर्म किया। 1831 में एक रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया जिसके लिए उनको देश निकाला दे दिया गया। लेटर ऑन इन्होंने दो अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटी बना दी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। अब इनको मेटॉनिक ने क्या कहा, यार ऐसे लोग तो बहुत बड़े दुश्मन हैं हमारी सोसाइटी के ऑर्डर के लिए, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो ऑर्डर है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑन द अदर हैंड मज़ीनी का क्या बिलीफ था कि जो नेशन है ना वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए, मतलब जो भी लोग नेचुरली साथ में रहना चाहें रह लें और नेशन क्रिएट कर दे। अब इसमें रंग सेम होना है लोगों का, लैंग्वेज सेम होनी है, कल्चर सेम होना है, ये सब में बिलीव नहीं करते थे ज़ूसेप मज़ीनी, ठीक है। ही थॉट दैट नेशन वॉज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, एंड उनको लग रहा था कि इटली जो है वो छोटे छोटे पैच वर्क्स में नहीं रह सकता, अगर उसको आगे चल के आज़ाद होना है छोटे छोटे पैच वर्क्स में उसको नहीं रहना चाहिए। एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली के चलते क्या होगा, लोगों को लिबर्टी मिलेगी, ऐसा इनका मानना था, ठीक है बच्चों। इसके बाद आएगा एज ऑफ रेवोल्यूशंस। हाँ बाबा सारे चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशंस में आप क्या पढ़ते हो कि कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स जो है ना वापस भिड़ चुके हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है तुमको पता है 1815 के बाद चाह रहे हैं कि भाई हमारा ही रूल चले, राजाओं का राज चले, 1789 के पहले जो राजाओं का एक रुतबा हुआ करता था वो आ जाए। ऑन द अदर हैंड लिबरल्स बोल रहे हैं हमको एक बार डेमोक्रेसी मिल चुका है, ठीक है, तो हम लोग अब कंजर्वेटिव्स के अंदर नहीं रहेंगे, तो इनकी लड़ाई चल रही होती है, ओके। एंड बच्चों क्या होता है, रेवोल्यूशंस होने शुरू हो जाते हैं 1830 से लेकर के 1848 तक यूरोप के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, एकदम लाइन से रेवोल्यूशन होते चले गए होते चले गए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस का रेवोल्यूशन, फिर बेल्जियम का, फिर ग्रीस का, ठीक है। ये तीन रेवोल्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें देखो फ्रांस में लुई 18 को राजा बनाया था हमने 1815 में। अब लुई 18 इतना खा पी रहा था, खा खा के इतना मोटा हो गया था, ओबिसिटी हो गई थी इसको, ठीक है, ओबिसिटी की वजह से ये 1824 में मर जाता है। एंड फिर इनका राजा आ जाता है, इनका भाई आ जाता है राजा बन के, चार्ल्स 10। अब चार्ल्स 10 जो है ना वो चाहता था एकदम एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह 1789 की तरह रूल करे, और 1830 में जुलाई में उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिससे सभी लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया, सिर्फ 2% लोगों के पास वोटिंग राइट्स रहा। अब फ्रांस के लोग तो क्रांतिकारी टाइप हैं, उनको जैसे ही ये पता चला कि चार्ल्स 10 ने ऐसा कुछ किया है
तो उन लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया, चार्ल्सटन को हटा दिया गया, राजा किसको बनाया, लुई फिलिप को। ठीक है, अब फ्रांस को देखा देखी क्या हुआ, फ्रांस का देखा देखी हर जगह पे रेवोल्यूशन होने लगा। इन फैक्ट मिटर्निक ने एक बार कहा भी था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, क्योंकि हर चीज फ्रांस से स्टार्ट होती थी और पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाती थी। ठीक है, तो अब क्या देखो, क्या बेल्जियम में भी क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। तो बेल्जियम है ना, 1815 में क्या किया गया था, बेल्जियम को किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, साउथ वाला जो जगह है वो बेल्जियम था, नॉर्थ वाला जो जगह है वो हॉलैंड था, दोनों को मिला करके किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बना दिया गया था। इन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी और बेल्जियम जो है वो फ्री होना चाहता था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अगस्त में रेवोल्यूशन किया एंड ये भी किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हो गए। लेटर ऑन क्या देखोगे आप बच्चों, ग्रीस के अंदर भी एक लड़ाई हुई है। 1821 से ग्रीस वाले लोग लड़ रहे थे। ठीक है, ग्रीस जो है वो बहुत पुरानी कंट्री है यूरोप के अंदर। इनफैक्ट यूरोप का जो सिविलाइजेशन है ना वो स्टार्ट ही ग्रीस से हुआ है। तो ग्रीस से तो लोगों को अलग से ही कुछ अलग ही से प्यार था ग्रीस के साथ। ठीक है, तो ग्रीस में लड़ाई जब होनी शुरू हुई ना, हर जगह के यूरोपियन लोगों ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट लॉर्ड बायरन वगैरह जो हैं और जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो लोग क्या करते थे, एक अलग से फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि ग्रीक लोगों की हालत बहुत ख़राब है, हम सबको मदद करनी चाहिए। एंड फाइनली आप क्या देखोगे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1832 में और ग्रीस भी क्या हुआ, आज़ाद हो गया। ठीक है, फिर आया रोमांटिसिज्म का एरा। रोमांटिसिज्म में क्या हुआ बच्चों, आर्टिस्ट पोइट्स जो थे ना, ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग और ये सब को यूज करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म को क्या कर रहे थे, ग्रो करवा रहे थे। ठीक है, नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। जैसे जर्मनी के अंदर योहान गॉटफ्रिड ऑर्डर जो थे उनका मानना था डा फोक जो है उसके चलते ही नेशनलिज्म आएगा, मतलब एक नेशन जो है वहाँ के कॉमन लोगों के थ्रू जाना जाता है। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही पोलैंड के अंदर आप क्या देखोगे, पोलोनाइजे एंड माजुर्का, दो डांस फॉर्म जो है उसको डेवलप किया गया, जिसमें बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई जो थी उनकी उसको दिखाया गया, उसके चलते लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग आई। फिर लेटर ऑन आप क्या देखोगे बच्चों, 1848 में फिर से रेवोल्यूशंस होते हैं फ्रांस के अंदर। ठीक है, बिकॉज व्हाट वाज द रीजन, हेलो 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 बच्चों, ओके हर्षित ओके। तो बच्चों ये जो है ना, यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी 12 बजे रिजल्ट भी आने वाला है ना क्लास 10 का, तो बहुत ही अब्रप्टली आया है ये रिजल्ट भी। तो यार आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगी या तो आज रात में एक सेशन लेकर इसको कंप्लीट करा दूं, या फिर हम लोग जो है ना इसको कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मेंटी क्विज कर लेंगे। इज दैट ओके गाइस, ऐसा कर लेते हैं। अगर आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बच्चों, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप 20% डिस्काउंट आपको IIT JEE के लिए मिलेगा एंड 1 साल तक आपको वैलिडिटी है। आप कभी भी कोड यूज करके बाद में सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, मतलब तुमको अगर लेना ही है फाउंडेशन का तो अभी लेने से फायदा है, क्योंकि तुमको 20% का एक कूपन कोड बाद के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, बाद में लोगे तो। एंड हमारे पास कुछ मास्टर बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं एक्चुअली, तो यू पीपल कैन एनरोल फॉर दैट। एंड इफ यू आर बाइंग द सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RSYD। और अगर अभी तक ऐप ही नहीं डाउनलोड किया है तो भाई बहुत गलत बात है, ऐप तो डाउनलोड कर ही लो, सारा फ्री कॉन्टेंट RSYT से मिलेगा। ठीक है, सो सी यू ऑल अनअकैडमी टॉपर्स पे, तुम लोग मुझे मिल सकते हो। ठीक है, सुबह बाय, थैंक यू। अगर क्लास 9 का पढ़ना है आज, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन वन शॉट, सुबह बाय, थैंक यू सो मच।